बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम जाहिद अब्बास फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन डीजी खान कैंपस, सब्जेक्ट बेसिक अलजेब्रा, लेक्चर नंबर 14। टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर इज सॉल्व अ सिस्टम ऑफ टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लेआउट ऑफ दिस लेक्चर इज system of simultaneous equation when one equation is linear and other is quadratic। सबसे पहले हम system of simultaneous equation की definition पढ़ेंगे इस lecture में। उसके बाद हम जब आपके पास एक equation linear हो और दूसरी quadratic हो उसको हल करने के तरीके पढ़ेंगे। इस lecture में केस फर्स्ट होगा व्हेन वन इक्वेशन इज लीनियर एंड अदर इज क्वाड्रेटिक, क्योंकि लेक्चर नंबर 15 हम जब पढ़ेंगे तो उसमें सेकंड केस को डिस्कस करेंगे जिसमें बोथ इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक होंगी। लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें एक्स की पावर 1, यानी कि डिग्री जो एक्स की हो वो 1 किसी भी इक्वेशन में, और क्वाड्रेटिक वो होती है जिसमें एक्स की पावर 2 हो। आपने पहले भी पढ़ी हुई है, लीनियर इक्वेशन भी पढ़ चुके हैं, क्वाड्रेटिक आप इस चैप्टर के स्टार्ट से ही पढ़ रहे हैं, तो इसी टॉपिक को लेके लेक्चर नंबर 14-15 बनाया गया है। सिमल्टेनियस इक्वेशंस, अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस having a common solution is called a system of simultaneous equation। This is the definition of simultaneous equations। कि जिन इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो कॉमन हो तो उसको हम simultaneous equation कहते हैं। The set of all ordered pair x y। जब हमारे पास एंड में एक्स वाई आंसर आता है तो उसे हम एक खास तरतीब से लिखते हैं जिसे ऑर्डर पेयर कहा जाता है। तो नेक्स्ट इसमें ये है कि द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर एक्स पावर वाई विच सेटिस्फाई द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कॉल्ड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द सिस्टम। जितने भी आपके पास सॉल्यूशन आते हैं जब हम सिमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो जो ऑर्डर पेयर, जो कॉमन ऑर्डर पेयर हैं वो तमाम सेटिस्फाइज करते हैं सिमल्टेनियस इक्वेशन को, तब हम उसे कहते हैं वो सॉल्यूशन सेट ऑफ सिस्टम है। इन ऑर्डर पेयर एक्स वाई, एक्स ऑलवेज ऑक्यूपाई फर्स्ट प्लेस एंड वाई ऑक्यूपाई सेकंड प्लेस। जब भी ये ऑर्डर पेयर लिखा हुआ ऐसे तो इसका मतलब ये होगा कि फर्स्ट रकम एक्स है और सेकंड वाई है, ये फिक्स है। केस नंबर 1, when one equation is linear and the other is quadratic। If one of the equations is linear, we can find the value of one variable in terms of the other variable from linear equation। Substituting this value of one variable in the quadratic equation, we can solve it। The procedure is illustrated through the following example। Example 1, solve the system of equations 3x plus y is equal to 4 and 3x square plus y square is equal to 52. 3x plus y is equal to 4 is a linear equation and 3x square plus y square is equal to 52 is a quadratic equation। तो केस फर्स्ट में हम ये पढ़ेंगे कि जब आपको एक इक्वेशन लीनियर दी गई हो और एक क्वाड्रेटिक दी गई हो तो उसमें वेरिएबल हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। सॉल्यूशन में देखें, द गिवन इक्वेशन आर 3x plus y is equal to 4, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, एंड 3x square plus y square is equal to 52, दिस इज द सेकंड इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1। ये जो है इससे अगर y की वैल्यू फाइंड करें, यहाँ से 3x उधर शिफ्ट करें 4 minus 3x आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
y is equal to 4 minus 3x. This is a third equation. Put value of y in equation second. अगर second equation, ये second equation है, इसमें हम y की जगह पे put कर दें 4 minus 3x as 3x square plus 4 minus 3x square is equal to 52. This implies 3x square plus 4 minus 3x square. यहाँ पर एक formula यूज करेंगे, a minus b whole का square is equal to a square minus 2ab plus b square. ये formula इस पर apply करें तो हमारे पास आ जाता है 16 minus 24x plus 9x square. 52 को equal की उस तरफ shift करें तो ये minus 52 is equal to 0. 12x square, 3x square plus होगा 9x square में, तो ये 12x square आ जाएगा. इसी तरह minus 24x आपके पास लिखा हुआ है, ये आ जाएगा इधर 16 minus 52, ये आपके पास minus 36 आ जाएगा. This is equal to 0. और अगर इसको हम 12 पर डिवाइड कर दें दोनों तरफ, तो हमारे पास जो न्यू इक्वेशन आएगी वो x square minus 2x minus 3 is equal to 0 बनेगी. नेक्स्ट है x square minus 2x minus 3 is equal to 0 by factorization. X square minus 3x plus x minus 3 is equal to 0. If you take x as a common, then this is equal to x into x minus 3 and 1 common from this side, 1 into x minus 3 is equal to 0. Either x minus 3 is equal to 0 or x plus 1 is equal to 0. That is, from here x is equal to 3 and or x is equal to minus 1. यहां तक हमारे पास x की वैल्यू फाइंड हो जाती है. अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है. तो उसके लिए पुट द वैल्यूज ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड. थर्ड जो हमारे पास प्रीवियस स्लाइड में इक्वेशन थी उसमें वैल्यू पुट कर देंगे. तो इसमें दो केसेस बन रहे हैं, फर्स्ट x 3 है और सेकंड x minus 1 है. लेफ्ट साइड में लिखा हुआ when x is equal to 3 और राइट में लिखा हुआ x is equal to minus 1. और उसी इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, ये लिखी हुई भी है y is equal to 4 minus 3x. x की जगह पर ये 3 पुट करें, then this is equal to y is equal to 4 minus 3 into 3, 4 minus 9 and y is equal to minus 5. तो जब आपके पास x 3 था तो y की वैल्यू minus 5 आ जाएगी. इसका मतलब आर्डर पेयर का क्या बनेगा, 3 व minus 5. when x is equal to minus 1, y is equal to 4 minus 3x, putting the value of x, then we will get 4 minus 3 into minus 1, y is equal to 4 plus 3, y is equal to 7. Here order pair is minus 1 and 7. The order pairs are 3, minus 5 and minus 1, 7. ये जो roots हमारे पास आए हैं, first order pair जो है 3, minus 5, x 3 के बराबर है, y minus 5 के बराबर है, और second order pair में minus 1 x है और y 7 है. अगर हम question में दी गई equation में put करें x की जगह पे 3, y की जगह पे minus, दोनों equation में, तो दोनों equation को ये order pair satisfied करेगा. इसी तरह ये minus 1 व 7 है, x की जगह पे minus 1 put करें और y की जगह पे 7 put करें, तो ये भी दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा. अब एंड में दस द सॉल्यूशन सेट. सॉल्यूशन सेट लिखने का तरीका ये होता है, ब्रैकेट 3 माइनस 5 माइनस 1 व 7 ब्रैकेट क्लोज. इस तरह हम सॉल्यूशन सेट फाइंड कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का. एग्जांपल नंबर 2, solve the system of equations. First equation is x plus y is equal to 7. This is a linear equation. And x square minus xy plus y square is equal to 13. This is a quadratic equation. Solution: x plus y is equal to 7. This implies x is equal to 7 minus y. यहाँ से x की value हमने निकाल ली. इसको number 1 का नाम दिया है.
Substituting the value of x in the equation x square minus xy plus y square is equal to 13, we have. अब जो x की वैल्यू 7 माइनस y है, हमने सेकंड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास आता है 7 माइनस y स्क्वायर माइनस y, यहाँ पर भी x था, 7 माइनस y प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 13. दिस इम्प्लाइज 7 माइनस y पर फार्मूला अप्लाई करेंगे. फार्मूला क्या होता है, a माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो हमारे पास यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा, 2ab के मुताबिक ये माइनस 14y आ जाएगा और y स्क्वायर आ जाएगा प्लस y स्क्वायर. ये 7 माइनस y का स्क्वायर हमने एक्सपेंड कर दिया. नेक्स्ट माइनस y मल्टीप्लाई विद 7, वी गेट माइनस 7y. माइनस वाई मल्टीप्लाई माइनस वाई दिस इज इक्वल टू प्लस वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर पहले से मौजूद है, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13. दिस इम्प्लाइज 3y स्क्वायर. अगर देखें तो वाई स्क्वायर 1, 2, 3 तीन वाई स्क्वायर मौजूद हैं, तो ये हो जाएंगे 3y स्क्वायर. तो माइनस 14y माइनस 7y, माइनस माइनस प्लस 14 प्लस 7 माइनस 21y एंड 49, 13 को अगर शिफ्ट करें इक्वल की तरफ तो माइनस होगा, 49 से अगर माइनस 13 करें तो वो 36 इज इक्वल टू 0 आ जाता है. दिस इम्प्लाइज y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12 इज इक्वल टू 0. अगर हम 3 पर इस इक्वेशन को दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12 इज इक्वल टू 0. इफ वी फैक्टराइज इट देन वी विल गेट y माइनस 3 इनटू y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 4. अगर हम y माइनस 3 को 0 के बराबर पुट करते हैं तो उधर से y इज इक्वल टू 3 आ जाता है. अगर y माइनस 4 को 0 के बराबर पुट करें तो y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा. Putting y is equal to 3 in first we get. अब ये तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई थी, अब x की वैल्यू फाइंड करनी है. फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन जो हमने यहाँ पर नाम दिया था x is equal to 7 minus y, यहाँ पर x y 3 पुट करते हैं, x is equal to 7 minus 3 तो is equal to 4. तो इसका मतलब है पहला ऑर्डर पेयर जो है वो बनेगा 4 व 3. इसी तरह सेकंड वैल्यू जो y की हमने फाइंड की है 4, वो हम पुट करते हैं 1 में. पुटिंग y इज इक्वल टू 4 इन फर्स्ट वी गेट 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3. तो यहाँ पर क्या ऑर्डर पेयर आता है, 3, 4. x पहले लिखा जाता है और फिर y, 3 व 4. तो सॉल्यूशन क्या बनेगा, हेंस सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 4, 3 और 3, 4. Example number 3. Solve the system of equations x plus y is equal to 6 and x square plus y square is equal to 20. एक और example है, ये linear equation है और ये quadratic equation है. इन दोनों को solve करके हमने x और y की values find करनी है. तो simultaneous system है ये, तो इनका common solution होगा. Solution देखें, the given equations are x plus y is equal to 6, इसको फर्स्ट का नाम दिया है, एंड x square plus y square is equal to 20, सेकेंड. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से अगर y की वैल्यू निकालें, x उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, सो दिस इज y इज इक्वल टू 6 माइनस x. थर्ड इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, जो y की वैल्यू निकाली है वो इक्वेशन सेकेंड में पुट करें. ये सेकंड इक्वेशन है, y की जगह पुट करेंगे 6 माइनस x. तो ये इक्वेशन इस तरह लिखी जाएगी, x स्क्वायर प्लस इनटू 6 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 20. x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12 x प्लस x स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल टू 0.
सिक्स माइनस एक्स पर हमने स्क्वायर एक्सपेंड किया है, ये हो जाएगा 36 माइनस 12 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। कौन सा फार्मूला जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी पढ़ा है, ए माइनस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसके मुताबिक हमने इसे एक्सपेंड किया तो हमारे पास आ जाता है ये 36 माइनस 12 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल टू जीरो। 2x स्क्वायर, ये x और ये x ऐड हो जाता है, 2x स्क्वायर माइनस 12x, 36 माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 16 इज इक्वल टू जीरो। और अगर इसमें से हम 2 कॉमन ले लें या 2 पर डिवाइड कर दें तो दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन बन जाती है। नेक्स्ट पेज देखें। बाय फैक्टराइजेशन वी गेट, अगर हम प्रीवियस इक्वेशन को फैक्टराइज करें तो हमारे पास x माइनस 4 x माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो, ये दो फैक्टर आ जाते हैं। उसके बाद अगर x माइनस 4 को जीरो के बराबर पुट करें तो x इज इक्वल टू 4 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह x माइनस 2 को जीरो के इक्वल पुट करें तो x इज इक्वल टू 2 के इक्वल आ जाता है। अब यूजिंग थर्ड, y इज इक्वल टू 6 माइनस 4, इक्वेशन नंबर थर्ड आप देखें प्रीवियस स्लाइड में तो वो थी y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स। ये जो फर्स्ट 4 है x की वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू जो है उसको अगर हम x जगह पुट करें तो ये 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 आ जाता है। इसी तरह सेकंड जो x की वैल्यू आई है 2, उसको हम पुट करें y इज इक्वल टू 6 माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 4। अब x की वैल्यू जब 4 थी तो y की वैल्यू 2 आई है, x की वैल्यू 2 थी जब तो y की वैल्यू 4 आई है। तो अब सॉल्यूशन सेट में लिखे हुए हैं इसके पेयर 4 व 2, जो पहला पेयर है 4 व 2, फर्स्ट x सेकंड y, सेकंड जो है सेकंड पेयर जो है वो x 2 है और y 4। इस तरह हमारे पास ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट फाइंड हो जाता है। असाइनमेंट में एक्सरसाइज 4.8 कंप्लीट, जो कि एफएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की बुक है, बुक फर्स्ट मैथमेटिक्स अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री 11th पंजाब टेक बोर्ड लाहौर। रेफरेंसेस में दो बुक्स हैं, पहली बुक फंडामेंटल ऑफ अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री सोगस्की ई डब्ल्यू पी डब्ल्यू एस कैंट कंपनी बोस्टन 1986, और दूसरी है मैथमेटिक्स अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री 11th पंजाब टेक बोर्ड लाहौर।